नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप देख रहे हो अंकित न्यूज। दरअसल ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा है। आलोक मौर्य जो उनके पति हैं, उनका यही कहना है कि मेरी पत्नी इस डीएम ज्योति मौर्य का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। तो क्या अफेयर जिसके साथ में चल रहा है वो है कौन, और क्या जांच चल रही है कि अफेयर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, कि बस आलोक मौर्य झूठ बोल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये इस वीडियो में आप देखिए। बहुत ही आपको पता, मैं बता दूंगा बहुत कुछ। तो दरअसल आलोक मौर्य ने एक नाम लिया है, वो नाम ये है कि कमांडेंट मनीष दुबे का, जिला कमांडेंट मनीष दुबे का नाम लिया है और बताया है, जो आपको फोटो में दिख रहे होंगे अभी, इनको बताया है कि इन्हीं के साथ में, जो जिला कमांडेंट मनीष दुबे हैं, इनके साथ में ज्योति मौर्य का अफेयर चल रहा है और बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, ये कहना है किसका, आलोक मौर्य का। तो इसी को देखते हुए और आलोक मौर्य ने एक बात और कही थी कि जो जिला कमांडेंट मनीष दुबे हैं और मेरी बीवी यानी एसडीएम ज्योति मौर्य, ये दोनों मिलकर के मेरे को मारने का प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है। जिसको देखते हुए वहां के डीजी बीके मौर्य, ठीक है ना, इन्होंने मनीष के ऊपर यानी जिनसे अफेयर चल रहा है उनके ऊपर वहां के डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने एक जांच बिठा दी और जांच की जिम्मेदारी दी गई डीआईजी संतोष सिंह को। यानी डीआईजी संतोष सिंह को कहा गया कि आप जांच करिए इस मामले में। डीआईजी संतोष सिंह ने जांच आरंभ किया और यहां पर दो नोटिस जारी कर दिए। एक नोटिस जारी किया ज्योति को, जो एसडीएम ज्योति मौर्य हैं उनको एक नोटिस जारी किया गया, और दूसरा नोटिस जारी किया गया मनीष दुबे जो हैं उनकी पत्नी को, यानी जिससे अफेयर चल रहा है उसकी पत्नी को एक नोटिस जमा किया गया, मतलब भेजा गया कि आप आइए और यहाँ पे अपना बयान दर्ज करवाइए। ज्योति मौर्य को भी बोला गया कि आप आइए यहाँ पर अपना बयान दर्ज करवाइए। ज्योति मौर्य ने लिखित में ये कहा कि मैं अभी कोई भी बयान नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मेरा ऑलरेडी केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, तो मैं जो भी बोलूंगी वो कोर्ट में ही बोलूंगी, यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। यानी साफ साफ से मना कर दिया और कॉपरेट नहीं किया है, यही कह सकते हैं। और ऊपर से वहां पे मनीष दुबे की पत्नी ने भी कह दिया कि ये सब हमारा पारिवारिक मामला है, इसीलिए हम खुद ही हल कर लेंगे, हमें कोई किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यानी इधर ज्योति मौर्य ने भी बोला कि ये हमारा पारिवारिक मामला है और ये कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं कोर्ट में ही बोलूंगी। और मनीष दुबे की जो बीवी हैं, उन्होंने तो साफ ही मना कर दिया कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, हमारा ये पारिवारिक मामला है, तो हम लोग खुद में ही निपट लेंगे, देख लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि इस केस में जैसे कि जांच करने को कहा गया था, दो नोटिस जारी भी हुआ था, लेकिन परिणाम दिखता हुआ नहीं दिख रहा है इसका, कि कुछ जांच में पता चल रहा है, क्योंकि कोई अपना स्टेटमेंट देने को ही तैयार नहीं है। हालांकि अब देखते हैं कि आगे क्या आता है, क्या नहीं आता है। और आप लोग जान ही चुके हो कि अफेयर किसके साथ में चल रहा है, मनीष दुबे के साथ में, जो कि उनके पति बोल रहे हैं। बाकी सब आता है कुछ भी तो मैं बताऊंगा जरूर। जुड़े रहिए अंकित न्यूज के साथ में। नमस्कार, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए।